कैसे हो शेरविल बच्चों? बहुत ठंडी है इसलिए आपको थोड़ा जगाना जरूरी है। शेरविल आप लोगों के लिए सुन रहे हैं। देखो, आज हम लोग 2014 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि 2014 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आए थे, उनके जगह पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या कहो कि अल्ट्रा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए थे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका आंसर एक शब्द में, दो शब्द में देना था। तो हम लोग उसी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इनेबल्स हिस्टोन टू एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इनेबल्स हिस्टोन टू एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब हुआ कि हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका कारण पूछ रहा है क्यों होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन है, याद करो हम लोग पढ़े हुए इस बात को, कि हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है। हिस्टोन कैसा प्रोटीन होता है? बेसिक प्रोटीन। और बेसिक प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि ये जिन एमिनो एसिड से बना होता है, वो एमिनो एसिड ही कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। अब याद करो, एमिनो एसिड कौन से होते हैं? आर्जिनिन एंड लाइसिन। याद है, आर्जिनिन लाइसिन। तो क्या है, आर्जिनिन एंड लाइसिन ये दोनों के दोनों कैसे अमीनो एसिड हैं? ये दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। इस कारण से याद रखिएगा, हिस्टोन भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेशित होता है। क्लियर हो रहा है? ये आर्जिनिन और लाइसिन। ये टॉपिक कहाँ का है आपको याद है? ये टॉपिक आपको पढ़ना है जहां पर हम लोग डीएनए का पैकेजिंग पढ़े हैं ना, उसको ओपन करके देखिएगा, वहां मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं। नेम एनी टू साइनो बैक्टीरिया विच आर बायो फर्टिलाइजर। दो आपको साइनो बैक्टीरिया बताने हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं या बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अभी तुरंत आपको याद आएगा, नाम लिखते हैं मेरे। हाँ, नोस्टॉक का नाम सुना है क्या? बिल्कुल सुना है। और दूसरा कौन सा बताओ? एना बेना। तो नोस्टॉक एंड एना बेना, ये दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं। और मतलब ये हुआ कि सॉइल के, मृदा के फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। पॉलिनेशन इन कदम ब्रॉट अबाउट बाय विच फैक्टर। कदम में पॉलिनेशन पूछ रहा है। याद आई अगर आप लोगों को, तो हम लोगों ने एक बड़ा मजेदार सा टर्म पढ़ा था, कीरो टेरो फिली। याद है, कीरो टेरो फिली। और क्या हुआ इसका मतलब? मतलब इसका क्या था कि अगर चमगादड़ से, अगर बैट से पॉलिनेशन होता है, तो उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कीरो पटेरो फिली। तो कदम में पॉलिनेशन किससे होता है? वो बैट से होता है, चमगादड़ से होता है। याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फाउंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जो स्पर्म का डायग्राम पढ़े हैं, जिसके मिडिल पार्ट में ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो यही मिडिल पार्ट में मिलता है। अब इसी के और में एक और क्वेश्चन दे दिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का यूनिट पूछ रहा है, साउंड का इकाई क्या होता है? आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड का इकाई होता है, यूनिट होता है डेसीबेल। शॉर्ट में इसको हम लोग डीबी लिखते हैं, डेसीबेल। ये मेरा पेन ना इसके और राइट में नहीं जा पा रहा है। ठीक है, डेसीबेल तो डीबी याद रखना। मैं इधर लिख दूं क्या? डीबी ऐसे। ठीक है, ये डेसिबल का सिंबल हो गया, याद कर लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्लाज्मिड डीएनए इज फाउंड इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए कहाँ पाया जाता है? कुछ याद है? फिर से याद है अगर तो ऐसे देखो, ये एक डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। पता नहीं क्यों ये पेन भाग रहा है। एक डायग्राम बना रहे हैं हम लोग किसका? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में उसका अपना क्रोमोजोमल डीएनए होता है, एक एडिशनल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बताओ? ये मिलेगा हम लोग को बैक्टीरिया
एरिया में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, टेटनस इज कॉज्ड बाई विच बैक्टीरिया। टेटनस जो रोग है वो किस बैक्टीरिया से होता है, टेटनस डिजीज किस बैक्टीरिया से होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम का ही एक वेरिएंट है, क्लोस्ट्रीडियम का ही एक वेरिएंट है, बस क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई या ट्रे, क्या हो रहा है आज, टे टी ने, ठीक है ना। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी बैक्टीरिया से टेटनस डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, याद करके रखना। क्वेश्चन नंबर सेवन है, एगारोज इज यूज इन विच एक्सपेरिमेंट। एगारोज कहाँ पढ़ा है याद करिए। एगारोज पढ़े हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में, एक प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद आया। तो बायोटेक्नोलॉजी के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोज जेल का यूज करते हैं। अच्छा चलो रवि, हाँ एक बात बता दो, और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग डीएनए को उनके साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा और ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बता दें कि जो एगारोज है ये कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं? एगारोज को, एगारोज को ऑब्टेन करते हैं समुद्री घास से, सी विद से। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी बैक्टीरिया विद फ्लैजलम। फ्लैजलम, फ्लैजला याद है, फ्लैजला ये हेयर लाइक बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इनके हेल्प से, इनके सहयोग से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सूक्ष्म जीव, वो मूव करते हैं, गति करते हैं। अब हमको बताना है कि बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए जो फ्लैजलम हो, सबसे पॉपुलर, ध्यान रखना। ई कोलाई का नाम सुने हो ना, ई कोलाई के कई सारे ऐसे स्ट्रेन हैं जिनमें फ्लैजलम होता है। क्लोस्ट्रीडियम अभी लिखे थे ना, क्लोस्ट्रीडियम में भी कई सारे ऐसे स्ट्रेन है जिनमें फ्लैजलम होता है। स्यूडोमोनास भी आपको बताया है, तो स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास, इनमें भी फ्लैजलम होता है। कई सारे बैक्टीरिया का नाम बता दिए। गिवेन एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक सीड, पूछता है गिवेन नहीं होना चाहिए, गिव एन एग्जाम्पल मत दिए। तो क्वेश्चन नंबर नाइन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक, सिंथेटिक सीड का एक एग्जाम्पल बताइए। तो ऐसा आपने ना एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको ऐसे याद रखना है हम लोग को। एक प्लांट हम लोग पढ़े हुए थे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, ट्रीटिकल याद है, ट्री टी कल। ट्रीटिकल क्या था, एक तरह से हम लोगों ने एक प्लांट तैयार किया है, सिक्स एन हेक्साप्लॉयड होता है, ये भी याद रखना, ट्रीटिकल को हेक्साप्लॉयड होता है ये, तो याद रखना। ये जो ट्रीटिकल है ना, ये एक तरह से बोलो तो हाइब्रिड प्लांट है। अब इसका जो सीड होगा तो कैसा सीड हो जाएगा, सिंथेटिक सीड हो जाएगा। ट्रिटिकल में ये भी याद रखना कि ये हेक्साप्लॉयड है, मतलब ये ट्रिटिकल सिक्स एन होता है, नहीं इसमें क्रोमोसोम के सिक्स एच होता है। लास्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम लोगों को देना है। एक क्या, कोई एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म आपको हम लोगों ने कराया है, कहाँ कराया है याद करो। हम लोगों ने एक आईयूसीएन का, आईयूसीएन का, मेरा तो माल इधर से जा ही नहीं रहा है, फिर दिखता हूँ, आईयूसीएन का एक रेड लिस्ट पढ़ा था, याद है ना रेड लिस्ट। तो इस रेड लिस्ट में हम लोगों ने कैटेगरी पढ़ा था ऑर्गेनिज्म का, उसमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज का एक कैटेगरी था, फर्स्ट ही था, ढेर सारा उसमें हम लोगों ने एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियों को पढ़ा था। सबसे आसान याद करने के लिए डोडो बर्ड ना, सबसे आसान याद करने के लिए कौन है, डोडो बर्ड। इसके अलावा हम लोग डायनासोर को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं डायनासोर, और भी बहुत सारे सिकाउड के सारे, ठीक है। तो वहां से हम इसको देख लेंगे। तो ये हमारा 2014 का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उनके जगह पे पूछा गया, ये 10 क्वेश्चन था, इसको अपने देख लिया, रिवाइज कर लीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।
ठंड है, खुद को सुरक्षित रखिए, खूब मेहनत करिए। गुड लक।